भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो गिनती चालू हो गई है, परिणाम कुछ देर में आने वाले हैं, कितना उत्साहित हैं आप? अब चुनावी राजनीति है और लोगों ने अपना, माननीय विधायकों ने अपना मतपत्रों के जरिए बैलेट बॉक्स में डाल दिया है, गणना होनी है और निश्चित रूप से जैसा विश्वास है, आप लोगों के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, तो इस राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में हमारे जो घोषित एनडीए के 8 प्रत्याशी हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रथम वरीयता के मत हैं उसमें हम लोग जीतेंगे। आपके सर जो घोषित थे उनका तो तय था कि वोट आपको मिलना ही मिलना है, ये समाजवादी पार्टी के जो क्रॉस वोटिंग हुई सर, इसके पीछे क्या एक चक्कर चला है सर? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है और हमारा जो विधानसभा का नंबर गेम है वो नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है और हमने आपस में बातचीत करके, सहमति बना के ही, लोगों से बातचीत करके ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी में जो टूट फूट हो रही है सर, आप लोग कई नेताओं को ज्वाइन कराते हैं, आज भी कई लोगों का जो है मन बदला हुआ है, को लग रहा है कि वहाँ के विधायक संतुष्ट नहीं है सर? हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया जी। और लोकतंत्र में सबको अपने विचार अपने मत के द्वारा व्यक्त करने का अधिकार है। हमारी एक राजनीतिक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, हम सब लोग प्रदेश की, देश की बेहतरी के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं और बहुत बड़ी यात्रा है, हमारा एक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत को विकसित बनाने का, उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे और जुड़ेंगे। सपा का कोई विधायक आना चाहेगा तो स्वागत है सर बीजेपी में? कोई अगर हमारे विचार से सहमत है और मोदी जी के और योगी जी के साथ काम, इस प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है मिलकर, तो हम सबका स्वागत। माना जाए संजय सेठ की जो जीत है, संजय सेठ की जीत निश्चित है, सबका स्वागत करेंगे। तो अब परिणाम जब आएंगे तो आपको जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।